हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मध्य प्रदेश के CPCT पास और स्टेनो पास जिन बेरोजगार युवाओं को जिस भर्ती का इंतज़ार था, वो भर्ती अब आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा शीघ्रलेखा ग्रेड सेकंड, शीघ्रलेखा ग्रेड थर्ड, शीघ्रलेखा ग्रेड थर्ड, कोर्ट मैनेजर स्टाफ सहायक ग्रेड थर्ड और सहायक ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग स्टाफ के भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। साथियों, जो आवेदन करने की आरंभ तिथि है वह 30 नवंबर 2021 से है और जिसकी साथियों आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 है। साथियों, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। साथियों, सबसे पहली बात, अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है और अभ्यर्थी जो है केवल एक ग्रुप ही तो आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जाएगा। साथियों, आइए देखते हैं कि ग्रुप वार कुल कितने पद हैं। साथियों, सहायक ग्रेड सेकंड के जो हैं कुल 108 पद हैं और इसमें वेतनमान है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 2800। दूसरा है शीघ्र लेखा ग्रेड थर्ड, इसमें कुल पदों की संख्या 205 है और वेतनमान है 5200 से 20200, ग्रेड पे है 2400। अगला पद है शीघ्र लेखा ग्रेड थर्ड, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसमें कुल पदों की संख्या है 11 है और वेतनमान है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। ग्रुप बी में जो है सहायक ग्रेड थर्ड के कुल 910 पद हैं, इसमें वेतनमान है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। इसी प्रकार से साथियों, ग्रुप सी में सहायक ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग में कुल 21 पद हैं और वेतनमान है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। इस प्रकार से साथियों, कुल 1255 पदों पर वैकेंसी निकली हुई हैं। तो साथियों, जो सातवें वेतनमान के अनुसार इनका वेतन इस प्रकार रहेगा, ग्रेड सेकंड का जो पे मैट्रिक्स है वो 28700 से 91300। शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड का पे मैट्रिक्स 25300 से 80500। शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड थर्ड और सहायक ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग का पे मैट्रिक्स जो है 19500 से 62000 लागू होगा। साथियों, आइए देखते हैं, ये साथियों इनकी पदवार और वर्गवार वैकेंसी दी गई है। आइए साथियों देखते हैं पदवार योग्यता क्या है। साथियों, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है इसके लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ में CPCT पास होना चाहिए और साथियों उसको जो है स्टोनो की परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उसके साथ ही उसको 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार से स्टोनोग्राफर ग्रेड थर्ड इसके लिए अनिवार्य योग्यता है
कि ग्रेजुएशन पास हो, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हो और जो हिंदी शॉर्ट हैंड है या स्टोनो है 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मध्य प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान से पास हो। इसके साथ साथ एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा अर्थात पीजीडीसी वगैरह होना चाहिए। साथियों ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड या सहायक ग्रेड थर्ड के लिए आवश्यक योग्यता है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन पास हो, सीपीसीटी स्कोर कार्ड हो और उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो। इसी प्रकार से साथियों असिस्टेंट ग्रेड सेकंड सॉरी थर्ड इंग्लिश नोइंग के लिए भी ग्रेजुएशन पास हो, सीपीसीटी स्कोर कार्ड हो और 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड पास हो और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा पास होना चाहिए। आइए साथियों देखते हैं यदि किसी व्यक्ति के पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। नंबर एक है बीई वाले जिन्होंने सीएसई आईटी से बी की परीक्षा पास की है या एमसीए कर रखा है या बीसीए कर रखा है या एमएससी आईटी या सीएसए कर रखा है या बीएससी आईटी सीएस या एमटेक एमई इत्यादि कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो उनको कंप्यूटर डिप्लोमा से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार से साथियों AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि से जिन्होंने जो है पॉलिटेक्निक या PPT कर रखा है उनको भी कंप्यूटर डिप्लोमा से छूट प्रदान की गई है। साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि BSc, BCom या अन्य डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है वह डिप्लोमा के रूप में मान्य नहीं है। साथ ही इस प्रकार से आप जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आई साथियों देखते हैं इसकी परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। साथियों पहले देखते हैं आयु सीमा। साथियों जो आयु की गणना है जो अनारक्षित पुरुष वर्ग है वह 40 साल तक का होगा तो आवेदन कर सकता है और पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग का यदि वे शासकीय सेवा में है, निगम मंडल या स्वशासी कर्मचारी है या नगर सैनिक है तो वह 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकता है। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग SC ST OBC या दिव्यांगजन है तो वह 45 साल की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग जो शासकीय सेवा में है वह 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकता है। महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग की है वह 45 साल की उम्र तक की है तो भी आवेदन कर सकती हैं। इसी प्रकार से कोई महिला आवेदक जो शासकीय सेवक है या निगम मंडल में काम कर रही हैं वह 45 साल की उम्र तक की हैं अगर तो आवेदन कर सकती हैं। और इसी प्रकार से साथियों अगर कोई महिला SC ST से है, OBC से है या दिव्यांग है तो वह 45 साल की उम्र तक की है तो आवेदन कर सकती हैं। साथियों आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना है। साथियों अनारक्षित वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क है ₹200 और पोर्टल शुल्क है ₹577.02 अर्थात टोटल फीस है ₹777.02। आरक्षित वर्ग के लिए कोई फीस नहीं है पर पोर्टल चार्ज ₹577.02 लगेंगे अर्थात कुल फीस उनको जो है ₹577.02 देने होंगे। साथियों
जो इसकी भर्ती परीक्षा है दो चरणों में होगी। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, दूसरी होगी मुख परीक्षा। साथ ही जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये 100 अंकों की होगी। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। प्रारंभिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनको अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद साथियों मुख परीक्षा होगी। साथ ही जो इसके परीक्षा केंद्र हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन और अगर आवश्यकता होगी तो और भी केंद्र बनाए जा सकते हैं। साथियों आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। साथियों इसका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस और इसके साथ साथ एमपी जीके। ये जो है 30 अंक आएगा। मैथ और रीजनिंग जो है 20 अंक की आएगी। जनरल हिंदी 10 अंक की आएगी। इंग्लिश नॉलेज जो है 20 अंक का आएगा और कंप्यूटर नॉलेज जो है 20 अंक का आएगा। इस प्रकार से साथियों प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह 100 अंक के ही होंगे। साथ ही जो ये परीक्षा है 2 घंटे की होगी। परीक्षा की तिथि के बारे में आपको समय समय पर उच्च न्यायालय द्वारा अवगत कराया जाएगा। साथियों अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। साथियों जो मुख्य परीक्षा है यह 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की जो तिथि है बाद में उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। साथियों जो मुख्य परीक्षा है जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा पाली के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए निर्णय लिया गया अंतिम होगा। उक्त संबंध में अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस बाबत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यर्थनों पर नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, अर्थात विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा यह क्या होगा। साथियों ग्रुप ए अर्थात स्टेनोग्राफर सेकेंड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड थर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम होगा उसमें हिंदी, स्टेनोग्राफी 400 शब्दों लिखाए जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग होगी इसमें 100 अंक का होगा और इसके लिए समय होगा 35 मिनट। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अर्थात सहायक ग्रेड थर्ड के लिए जो है हिंदी टाइपिंग की परीक्षा होगी और इसके लिए समय होगा 20 मिनट। इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग इसमें भी टाइपिंग परीक्षा होगी, स्टोनो की परीक्षा होगी और इसके लिए समय होगा 35 मिनट। इस प्रकार से साथियों अगर आपके पास सीपीसीटी कार्ड है, कंप्यूटर डिप्लोमा है या स्टोनो पास कर रखा है और सीपीसीटी कार्ड है तो आप उक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा में शामिल होकर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में काम कर सकते हैं। साथियों आपको हमारे वीडियो ठीक लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।